हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर एक खास खास किस्म की एसक्यूएल में क्वेरी लिखनी है हमें। अब वो क्वेरी क्या है वो आइए आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वो क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है और ये हमारी टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है, जो कि आपको सीधे से डिस्प्ले भी हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्वेरी लिखें जो स्टूडेंट्स के नेम को डिस्प्ले कराए, जो जिन्होंने कि सी ग्रेड पाया है, चाहे वो गेम की बात करें या यहाँ पर दिया गया है SUPW, दोनों ही में सी ग्रेड पाया हो, ऐसा जो है हमें ये करना है। सी ग्रेड वाला ही मतलब हमें एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से आ जाएंगे कहां, क्वेरी डिजाइन पर। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख ही रहा होगा, बस इस क्वेरी डिजाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर ये आ जाएगा, एसक्यूएल नजर आएगा, तो यहां पर आपको सीधा एसक्यूएल पे क्लिक कर देना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में भी लगभग ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप 2007 भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी आसानी के साथ कार्य कर सकते हैं। अब यहां पर हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, तो ये लिखा सेलेक्ट स्टेटमेंट और यहां पर कर देते हैं क्या, देखिए यहां पर क्या दिया गया है तो चेक करिए, यहां पर दिया गया है नेम। तो स्टूडेंट के नेम के लिए केवल नेम हमें लिखना है, तो NAME जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना है। और टेबल का क्योंकि नाम है स्टूडेंट तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ही दे देते हैं और यहाँ पे कर देंगे वेयर और फिर यहाँ पे GRADE ग्रेड 1 इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या कर देंगे सी ग्रेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सी ग्रेड ही देखना है। और यहाँ पे और की कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ग्रेड 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां पर ये दे करके अब आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है और ये पुराने वाले टेबल को क्लोज करना होगा। इस क्वेरी को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, और यहां पर इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यहां पे ग्रेड जिस तरीके से लिखा गया है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो स्पेलिंग मिस्टेक कुल मिला के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब इसको क्लोज करके, यानी टेबल को क्लोज करके इस क्वेरी को रन कराने की बारी है, तो हम सीधा कहां चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ पर रन आपको नजर आएगा, बस इसी रन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर F छूट गया है, यहाँ पे F कर देते हैं फ्रॉम, ठीक है। अब ये क्वेरी रन हो जाएगी तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं जिन्होंने कि क्या ग्रेड हासिल किया है, सी हासिल किया है। अब इसको चेक करना होगा, क्रॉस चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो जरा देखिए इसमें किसके किसके नाम, जब क्वेरी रन हुई है तो किसके किसके नाम आए, सुजीत, वीना और अर्पित। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ये सुजीत हैं, इनका ग्रेड यहाँ पे चेक करते हैं, तो गार्डनिंग में है ना सी ग्रेड, देखिए यहाँ गार्डनिंग में सी ग्रेड है, ठीक है। अर्पित है तो अर्पित का देखिए यहाँ पर गार्डनिंग में इनका भी सी ग्रेड है, ठीक है। और वीना का देखिए यहाँ पे ग्रेड ए है, किसमें है, गेम में है, टेनिस में ग्रेड ए मिला, सॉरी ग्रेड सी मिला हुआ है, किसको, वीना को, टेनिस में मिला हुआ है ग्रेड सी। तो इस तरीके से आप ये क्वेरी लिख सकते हैं। अब यही क्वेरी कई बार एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए इसी के लिए अब दूसरी क्वेरी, अब दूसरी क्वेरी क्या है, पहले इस क्वेरी को मैं क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं, इस क्वेरी को भी क्लोज कर देता हूं। दूसरी क्वेरी को समझ लेते हैं कि दूसरी क्वेरी है क्या। यहां पर जाकर के एसक्यूएल पे चले चलेंगे और यहां पे देखिए दूसरी क्वेरी आपको लिखनी है ना, डिस्प्ले द नेम ऑफ डिफरेंट गेम्स ऑफर्ड इन द स्कूल, यानी स्कूल में जो डिफरेंट गेम के नेम हैं वो केवल डिस्प्ले कराने हैं। तो जरा देखिए गेम के क्या क्या नेम है, क्रिकेट है, ठीक है, टेनिस है, स्विमिंग है, फिर टेनिस है, टेनिस दो बार रिपीटेड है तो यहां पर, और बास्केटबॉल है, फिर क्रिकेट है, यानी क्रिकेट भी रिपीटेड है, तो रिपीटेड वाले गेम्स के नाम नहीं आने चाहिए, ये याद रखिएगा। तो रिपीटेड वाले गेम्स के नाम ना आए इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान सी सिंपल सी क्वेरी है। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट, क्या लिखेंगे डिस्टिंक्ट, और ये लिख दिया डिस्टिंक्ट, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ही लिखना होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट के बारे में पहले भी मैं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखिए डिस्टिंक्ट इस तरीके से, तो ये लिख दिया डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट लिखने के बाद यहाँ पर दे दीजिए गेम, ठीक है, और गेम और फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट नाम है ना टेबल का, तो यहाँ पे स्टूडेंट दे दीजिए और अब इस टेबल को क्लोज करके और इस क्वेरी को रन भर करना है हमें, तो यहाँ से जा करके और क्वेरी डिजाइन पे जा करके यहाँ पे रन दिख रहा है, बस क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कि अब रिपीटेड नाम नहीं आएंगे यहाँ पर, देखिए कोई भी रिपीटेड नाम नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, क्वेरी बहुत आसान है।